अरे बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, नाम लिख लें AS 29 का, प्रोविजन कंटेंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटेंजेंट असेट्स। असेट्स के बारे में पढ़ा था, अब थोड़ा सा लाइबिलिटी को समझते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एएस कब इशू हुआ? इशू हुआ था बेटा 2003 में। एप्लीकेबल कब हुआ? एप्लीकेबल हुआ बेटा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2004 से, मतलब एमसीए ने अपनी साइट्स पर इसको 1 अप्रैल 2004 से एप्लीकेबल किया। मैंडेटरी एबीएस है क्या? बिल्कुल बेटा, दैट एएस इज मैंडेटरी एएस फॉर लेवल वन एंटरप्राइजेस और नॉन एसएमई कंपनीज। लेवल वन और नॉन एसएमपी पर पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं एसएमसी कंपनीज हैं और लेवल टू और लेवल थ्री इंटरप्राइजेस हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन है। ये क्या है? लेवल वन लेवल टू एसएमसी नॉन एसएमसी में आपको बोला था, एक अपन वीडियो रखेंगे ग्रुप पर और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बड़ा भी लग लो, सारे के सारे पूरा का पूरा एएस नहीं लगेगा, कुछ पार्ट में रिलैक्सेशन दिया है, मतलब पार्शियली रिलैक्सेशन है कुछ कंपनीज के लिए। कहां रिलैक्सेशन है, क्या रिलैक्सेशन है, अपन अभी डिस्कस करेंगे, ओके? एनी डाउट? मयंक? तो दूसरी बात बेटा, कुछ चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां कंटेंजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन जो है बेटा वो यहां आ चुके हैं। तो एएस 4 के कंटेंजेंसी वाला पार्ट चूंकि यहां आ गया है, तो अब फ्यूचर में डिस्कस नहीं होगा। जब एएस 4 डिस्कस करूंगा तो वहां पर वापस से डिस्कस नहीं करूंगा। और तीसरी बात, कुछ बेटा पार्ट इसका AS 28 में चला गया है, जो AS 28 से कवर हो गया है इंपेयरमेंट, वो वाला पार्ट भी मैं AS 29 में डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब इसके कुछ कुछ पार्ट, कुछ इनबिल्ट भी हुआ है, कुछ एक्सक्लूड भी हुआ है, नया AS है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंट को हम ध्यान में रखते हुए AS डिस्कस करेंगे। तो कभी आप किसी और से पढ़ रहे हो तो इम्पेयरमेंट जैसी कोई चीज पढ़ाता है कोई, तो बोल देना भैया वो AS 26 में 8 में चला गया है, 6 का पार्ट नहीं है। दूसरी, कोई AS 4 के अकॉर्डिंगली कंटेंजेंसी पढ़ाता है तो वो बोलना AS 4 में अब नहीं रहा है, वो कहाँ आके इनबिल्ट हो गया है, AS 29 में आ गया, क्योंकि कंटेंजेंसी पूरा का पूरा AS 29 ही डील करता है। क्लियर? मैं जैसा पढ़ाऊंगा बस वैसा ही आपको पढ़ना है। बच्चा बोल रहा सर आप तो जैसा पढ़ाओगे हम वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इस एएस को पढ़ना है अगर, तो एएस की मैं स्टार्टिंग करूं, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको लाइबिलिटी की डेफिनेशंस पता होना चाहिए। किसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए? लाइबिलिटी। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या होती है? जैसे मैंने आपको वहां असेट की डेफिनेशन बताई थी कि असेट क्या होती है, तो मैंने बोला था दो बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और उस पर हमारा कंट्रोल हो। याद आया कि नहीं बोलो? तो उसको हम असेट बोलते हैं। सेम मैं पूछूं, बताओ लाइबिलिटी की डेफिनेशंस क्या है, लाइबिलिटी क्या है? तो एक डेफिनेशंस तो ये रही बेटा लाइबिलिटी की, अगर मैं डिफाइन करूं तो बोलते हैं लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ विच एक्सपेक्टेड इन रिजल्ट इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आपको लगेगा सर ने क्या बोल दिया है? इट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, बट इसको अगर समझना है तो मैं इस लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे वापस से आऊंगा। आप तो सोच रहे होगे सर आपने तो ये डेफिनेशन वैसे समझा दी हमको जैसे 3 इडियट में आमिर खान साहब ने समझाई थी बुक की डेफिनेशन। नहीं, तो मैं आपको इस डेफिनेशन को वापस से डील करूंगा। तो लाइबिलिटी को बुक्स में कब रिकग्नाइज किया जाता है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइबिलिटी को बुक्स में कब लिखा जाता है, कोई भी लाइबिलिटी बुक्स में कब रिकग्नाइज की जाती है। रिकग्नाइजेशन करने का मतलब है बुक्स में लिखना कि भैया कोई भी लाइबिलिटी बुक्स में कब रिकॉर्ड होती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर लाइबिलिटी कब रिकग्नाइज होगी बुक्स के अंदर, तो आप क्या आंसर दोगे बताओ? बुक्स में लाइबिलिटी को कब रिकॉर्ड किया जाएगा?
वेरी गुड। जब वो अक्रूड हो जाए, जब वो अराइज्ड हो जाए। नहीं बच्चों, दो बातें सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। किसी भी लाइबिलिटी को बुक्स में लिखने से पहले उसकी दो बातें देखी जाती हैं। पहली चीज देखी जाती है उसका बेटा चांसेस ऑफ अकरेंस, और दूसरी बात देखी जाती है उसकी, सेकंड पॉइंट जो उसका देखा जाता है वो देखा जाता है मेजरमेंट। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सारे बच्चे याद रख लें कौन कौन सी दो बातें। किसी भी लाइबिलिटी को बुक्स में लिख रहे हो अगर, तो दो बातें चेक करोगे, पहली चीज चांसेस ऑफ अकरेंस और दूसरा मेजरमेंट। अगर ये दोनों बातें दोनों तरीके से सही हैं तो ही लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। अब मेजरमेंट और चांसेस ऑफ अकरेंस को समझना ताकि आपको पॉइंट समझ में आए। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो इसका आता है, हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट भी दो तरीके से किया जाता है लाइबिलिटी का। एक होता है बेटा एक्चुअल मेजरमेंट, एकदम नाप तोल के कि इतने रुपए देना है। से मैं बैंक गया, बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। बैंक वालों ने बोला 10% इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मेरे को 10% इंटरेस्ट के साथ 7 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। 5 लाख का लोन लिया है, चुकाना पड़ेगा 7 लाख। क्या ये 7 लाख रुपए एस्टिमेटेड मेजरमेंट है कि एक्चुअल मेजरमेंट है? बोलो जोर से बोलो। सर एक्चुअल। यहां एस्टिमेशन जैसी कोई भी चीज नहीं, क्योंकि फिक्स हो गया इतना देना है भाई, ये चुकाना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं हमारे मेजरमेंट एक्चुअल नहीं होते, एस्टिमेटेड होते हैं। यहां पर हम कुछ एस्टिमेशंस लगाते हैं कि साहब इतना देना पड़ेगा। एक्चुअल कितना देना पड़ेगा ये नहीं पता, एस्टिमेशंस कि कुछ अलग देना पड़ेगा, कुछ अलग से कोई चीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं हमारे मेजरमेंट कैसे होते हैं बेटा? एस्टिमेटेड होते हैं। आप बोलोगे सर एस्टिमेटेड मेजरमेंट क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कब लगते हैं? तो बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मेरा केस चल रहा, कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस में वकील साहब मेरे ऊपर जो केस है उस केस के अकॉर्डिंगली मेरी मेरे को किसी एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन देना है, और मैंने अपने वकील से पूछा कि भैया कितना देना पड़ेगा, तो मेरे वकील साहब बोल रहे हैं कि लगभग 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे। अब लगभग 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे, इट इज एस्टिमेटेड या एक्चुअल? एस्टिमेटेड। आप बोलो कि सर मेरी शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है, उस मैरिज का खर्चा आएगा एक, तो किसी एक्सपर्ट से पूछा भैया शादी के खर्चे कितने आ जाएंगे, वो एक्सपर्ट बता रहा है कि लगभग 15 लाख रुपए खर्च होगा, 20 लाख रुपए खर्च होगा। बताओ ये जो खर्चा बताया जा रहा है ये भी आपका लाइबिलिटी है, फ्यूचर में आपको पे करना है। बताओ ये एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड है। टैक्स जमा करना पड़ता है, टैक्स आप सबको पता है इनकम टैक्स हम जमा करते हैं। अब इनकम टैक्स जब हम जमा करते हैं तो बताओ बेटा सबसे पहले हम सबने इनकम टैक्स पढ़ रखा होगा, सेल्फ असिस्टेंट असेसमेंट करते हैं, हम खुद अपने अकॉर्डिंगली जमा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल इनकम टैक्स कितना लगेगा ये आपको कौन बताता है? जब उसका असेसमेंट होगा तो असेसिंग ऑफिसर बताएगा कि नहीं? तो आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया वो एक्चुअल हो गया कि एस्टिमेटेड हो गया? एस्टिमेटेड। बाद में पता चला असेसमेंट होने के बाद, जब असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है भैया आपने 4 लाख जमा किया है, जमा तो 8 लाख करना पड़ा था, पड़ेगा, तो फिर बेटा आ जाके आपको एस्टिमेटेड पता चलेगा। तो दो तरह के होते हैं, एक्चुअल और दूसरे कौन से? फटाफट बोलो, एस्टिमेटेड। अब मेजरमेंट ऐसा नहीं कि इंची टाइप आपके न करना है, मेजरमेंट हमको यहां पर मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ना है। आप सबने पढ़ रखा होगा बचपन में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते थे, एवरी इवेंट और ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट करना है, एक्चुअल मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्चुअल मेजरमेंट वाली लाइबिलिटीज तो हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ लाइबिलिटी। लेकिन जहां एस्टिमेशन वर्ड आ जाते हैं वहां पर दिक्कत है। एस्टिमेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलायबल एस्टिमेशन और दूसरे होते हैं नॉट रिलायबल एस्टिमेशन। रिलायबल एस्टिमेशन, रिलायबल एस्टिमेशन क्या होते हैं अगर कोई आपसे पूछता है? तो रिलायबल एस्टिमेशन मतलब जहां पर कुछ बेस बना के एस्टिमेशन लिया गया है। बेस कुछ भी हो सकता है, किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है,
जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ सीए इंटर का सेकेंड ग्रुप कितने अटेम्प्ट में पास कर लोगे? आज मैं एक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, बताओ कितने अटेम्प्ट लगेंगे आपको सेकेंड ग्रुप पास होने में? तो आप यही बोलोगे ना, इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, बोलो। इट इज एक्चुअल एस्टिमेशन। कैसे लिया एस्टिमेशन? अपने पास्ट परफॉर्मेंस को बेस बना के। अगर आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस को बेस बना रहे हो कि साहब मेरे को फर्स्ट ग्रुप में एक अटेम्प्ट लगा था तो सेकंड ग्रुप में भी एक ही अटेम्प्ट लगेगा, पास्ट परफॉर्मेंस को बेस बना रहा हो। अगर पास्ट परफॉर्मेंस को बेस बना के आपने लिया है एस्टिमेशन तो दैट इज अ रिलायबल। लेकिन आप तुक्के मार रहे हो बस, है भाई 12वीं में 5 साल फेल हुए थे, 10th क्लास में 4 बार फेल हुए थे और फिर सीए इंटर में बोल रहे हो पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, तो ये रिलायबल कहलाएगा कि नॉट रिलायबल कहलाएगा? बोलो, नॉट रिलायबल। पहले से टप्पे खाने की आदत है और यहां बोल रहे हो कुछ नहीं पहले अटेम्प्ट में पास, तो कोई मानेगा सुनेगा कि तुम्हारी? बोलो, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये क्या कौन सा कहलाएगा? फटाफट बोलो, नॉट रिलायबल। तुक्के कुछ भी मार दो। तो यहां बोलते हैं कि अगर रिलायबल एस्टिमेशन है तो लाइबिलिटीज जो होगी ना वो या तो प्रोविजन बनाएगी या कंटेंसेंट लाइबिलिटी बनाएगी। मतलब अगर रिलायबल एस्टिमेशन होते हैं तो आपकी लाइबिलिटी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं कहलाएगी, वो लाइबिलिटी या तो प्रोविजन के नाम से जानी जाएगी या कंटेंजेंट लाइबिलिटी के नाम से कहलाएगी। लेकिन नॉट रिलायबल है तो तय है वो एक लाइबिलिटी कंटेंजेंट लाइबिलिटी ही है। कैसे हम आगे जाके समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप नोट डाउन कर लो। एस्टिमेशन दो तरह के होते हैं, एक रिलायबल और दूसरे नॉट रिलायबल। अगर रिलायबल है तो या तो प्रोविजंस बनेगा या कंटेंजेंट लाइबिलिटी आएगी, नॉट रिलायबल है तो हमेशा क्या आएगी? कंटेंजेंट लाइबिलिटी आएगी। क्यों आएगी इसका लॉजिक आगे जाके डिस्कस करूंगा मैं, अभी केवल आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। कर लिया? मैं रुका हूं, आराम से लिख लो ये वाली बात। आगे जाके मैं वापस से पूछूंगा, स्लाइड वापस नहीं दिखाऊंगा आपसे, पूछूंगा तो फिर इसका लॉजिक और रीजन डिस्कस करेंगे, ठीक है? हेलो, कर लिया सब बच्चों नोट डाउन? गुड, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं पहले चांसेस ऑफ अकरेंस पर, तब जाके ये अमाउंट वाली बात हमको समझ में आएगी। चांसेस ऑफ अकरेंस, किसी भी लाइबिलिटी का आना और ना आना अकरेंस पर, उसके चांसेस ऑफ अकरेंस पर डिपेंड करता है। और चांसेस ऑफ अकरेंस जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं चार तरह के। चांसेस ऑफ अकरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक होता है रिमोट ऑब्लिगेशंस, दूसरे होते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, तीसरे होते हैं बेटा प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, और चौथे होते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कितने तरह के होते हैं बेटा? चार, नोट डाउन कर लो। पहला कौन सा? रिमोट ऑब्लिगेशन। दूसरा, तीसरा प्रोबेबल, और चौथा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। चांसेस के हिसाब से ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी चार पार्ट में बांट दी मैंने। मेजरमेंट के नाम से मैंने दो बांटी थी, एक्चुअल और एस्टिमेटेड, और एस्टिमेशन में भी दो बांटी थी, रिलायबल एस्टिमेशन, नॉट रिलायबल एस्टिमेशन। और अकरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाइबिलिटी को चार पार्ट में बांट रहा हूं, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल और प्रेजेंट। क्लियर? इन ऑब्लिगेशन को समझना जरूरी है और इसके बाद फिर मेजरमेंट को साथ में जोड़ना है। जब दोनों चीजों को हम समझ लेंगे ना तो हमको ये एस पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये एस डिफिकल्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसके बाद फिर हम लाइबिलिटी की डेफिनेशन वापस पढ़ेंगे, तब जाके वो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं रिमोट ऑब्लिगेशन की। व्हाट इज रिमोट ऑब्लिगेशन? रिमोट ऑब्लिगेशन मतलब बेटा एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसका फ्यूचर में आपको कोई लाइबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ सकती है, लेकिन आने के चांसेस लेस देन 5%, चांसेस इज वेरी लो।
कि वो ऑब्लिगेशन तुम्हारे ऊपर आएगा, वो लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर आएगी, उसके आने के चांसेस इज वेरी लो, बहुत कम है. मतलब कोई ऑब्लिगेशन तुम्हारे ऊपर आ सकता है, चांसेस इज वेरी लो. तो वो ऑब्लिगेशंस कौन से ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं बच्चों? रिमोट ऑब्लिगेशन. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इसको, देखो कैसे चांसेस इज वेरी लो समझ में कैसे आएगा, आप ही बताना. ठीक है, हेलो, ओके, चलो देख. Men will be men. Seagram. बताओ इनको ये मिलेगी, इसके मिलने के चांसेस कितने हैं? बोलो क्या लग रहा है आपको? हाँ, दगा देने वाली बात है क्या? पूछ रहा हूं, बताओ मिलेंगे कितने चांसेस हैं इसके मिलेंगे? बोलो. इट इज इज वेरी इज लो. सोचो अगर ये इनकी गर्लफ्रेंड बन गई तो इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, ये सोच रहे होंगे. बोलो फ्यूचर में खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो. जब खर्चा करना पड़ेगा तो फिर वो ऑब्लिगेशंस है, लेकिन बताओ ये ऑब्लिगेशन कितना है? जल्दी बताएं कितने रुपए की लाइबिलिटी आ सकती है इनके ऊपर अगर मैं पूछूं तो? बताओ चांसेस क्या है? बहुत कम. चांसेस इज वेरी वेरी लो. कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर नेगेटिव में भी नहीं है. समझ में आया कि नहीं? बोलो हेलो. तो कोई लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, चांसेस इज वेरी लो. तो फिर बताओ ऐसे ऑब्लिगेशन को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? डिस्क्लोज करना चाहिए लोगों को? ढिंढोरा पीट के बताऊं कि मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूं? ये दोनों लोग घर पे घर वाली के सामने बोलेंगे क्या कि दिशा पाटनी मेरे को मिल जाए, ऐसा मैं सोच रहा था? बोलो नहीं. तो ना तो बेटा दिमाग में रखेंगे और ना ही इसको लोगों को बताएंगे, तो फिर ऐसे ऑब्लिगेशन का करें क्या? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ऐसे ऑब्लिगेशन को ना तो रिकॉर्ड किया जाएगा और ना ही इनको डिस्क्लोज किया जाएगा एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी. रिमोट ऑब्लिगेशन को हमेशा ही इग्नोर कर दिया जाएगा. क्या कर दिया जाएगा बेटा? इग्नोर. तो लिख लो रिमोट ऑब्लिगेशन नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. क्यों? क्योंकि भैया जो चीज होने ही नहीं है उसके बारे में दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है. क्लियर? तो हमारा एएस बोलता सीधा सीधा कि अगर कोई ऑब्लिगेशन रिमोट ऑब्लिगेशन है, इट शुड नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, इट शुड नॉट डिस्क्लोज इन एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में ना दिखाओ ना लिखो. कौन से ऑब्लिगेशन? याद रहेगा? तो ऐसे ऑब्लिगेशन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. लेकिन एक इसका एक्सेप्शंस है, एक एक्सेप्शंस है जिसको एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी दिखाया जाता है रिमोट होने के बाद भी. एक्सेप्शंस लिखो अब जरा. एक्सेप्शंस क्या है? मैंने आपसे बोला देखो इसको बुक्स में नहीं लिखना, लेकिन इसका क्या है बेटा? एक एक्सेप्शंस है और उस एक्सेप्शंस के हिसाब से इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. समझ में आया कि नहीं? बोलो. अब एक्सेप्शंस क्या है वो लिख लो. बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. आपने बिल की डिस्काउंटिंग करा ली बैंक से. सारे बच्चे बताओ बिल की डिस्काउंटिंग कराने का मतलब? मैंने आप सारे बच्चों को बताया था कि भैया एक ड्रॉवर है, उसके पास कहीं से बिल मिला, उसने वो बिल बैंक को दे करके उसकी डिस्काउंटिंग करा ली जिसकी मैच्योरिटी डेट अभी आई नहीं है. तो जिसकी मेच्योरिटी डेट अभी नहीं आई है, फ्यूचर में मेच्योरिटी डेट आने वाली है. पहले तो बताओ मैं लेटर जिससे भी लूंगा क्या मान के लूंगा
कि वो मेरे को पैसा नहीं देगा, दे देगा। और वही लेटर लेकर के मैं बैंक में गया और बैंक में लेके गया और बैंक से मैंने डिस्काउंटिंग करा ली, तो मैं क्या सोच के बैठा हूं कि मेरा डेटर पैसा नहीं देगा बैंक को, दे देगा, जनरली यही माना जाता है। मतलब हम ऐसे लेटर ही एक्सेप्ट करते हैं जिनके होने के चांसेस लेस देन 5% है कि पैसा नहीं मिलेगा। बोलो, उसी को उधारी में बेचूंगा, उसी से लेटर एक्सेप्ट करूंगा। बोलो हाँ, है ना? बिल्कुल। तो अब मैंने उससे लेटर लिया, लेटर लेकर के मैंने बैंक में दे दिया, तो मेरे सिर पर एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी लटक रही है, क्या कि पैसा लेने बैंक जाएगा और कल को मेरे ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो फिर मेरे को पे करना पड़ेगा, ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। तो इट इज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी। ये बात सबको मैं पार्टनरशिप में पढ़ा भी चुका हूं कि दैट लाइबिलिटी इज कंटेंजेंट लाइबिलिटी। लेकिन बताओ, ड्रॉवर पैसा नहीं दे, सॉरी ड्रॉई पैसा नहीं देगा, चांसेस क्या है? वेरी लो, बहुत कम होते हैं। दैट ऑब्लिगेशन इज रिमोट। लेकिन फिर भी AS 29 बोलता है कि रिमोट ऑब्लिगेशन होते हुए भी जिस डेटर पर आपको विश्वास है कि वो पैसा दे देगा, होते हुए भी आपको बिल डिस्काउंट की लाइबिलिटी को एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। केबल बिल डिस्काउंट की, ऐसा क्यों? ताकि लोगों को ये पता रहे कि आपने जो सेल की थी और सेल करने से जो बिल आए थे, उस बिल की आपने डिस्काउंटिंग करा रखी है। ये बात लोगों को पता रहे, एडिशनल डिस्क्लोजर लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बाकी कंटेंजेंट लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, डिस्क्लोज नहीं करोगे, कोई रिमोट ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे, केबल बिल डिस्काउंट की कंटेंजेंट लाइबिलिटी है तो इट शुड बी डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी। तो रिमोट ऑब्लिगेशन एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी आ सकता है अगर वो बिल की डिस्काउंटिंग से रिलेटेड है। बाकी केस में रिमोट ऑब्लिगेशन कभी भी बुक्स में नहीं आएगा। तो सर करना क्या है? इट शुड नॉट डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, ऑलवेज फॉरगेट, आप उसको भूल जाओ, बुक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज होना ही नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं। लेकिन बिल की डिस्काउंटिंग का मामला है तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्लियर? हेलो। केवल एक रिमोट ऑब्लिगेशन बुक्स में डिस्क्लोज होगा एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, कौन सा? बिल डिस्काउंट। बाकी कोई भी रिमोट ऑब्लिगेशन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्लियर? डिस्क्लोज करोगे क्या? रिकॉर्ड करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं करना इनका। क्लियर है? गुड। दूसरे ऑब्लिगेशन की बात करें तो सेकेंड ऑब्लिगेशन होता है बेटा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कौन सा? पॉसिबल। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? तो ऐसे ऑब्लिगेशन जिनके फ्यूचर में हमारे ऊपर आने के चांसेस मोर देन 5% है बट लेस देन 50% है, 50% से कम चांसेस हैं कि कोई ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ सकता है, दैट ऑब्लिगेशन इज कौन सा ऑब्लिगेशन? बोलो, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। उस ऑब्लिगेशन को पॉसिबल ऑब्लिगेशंस बोलोगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं? तो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से ले रहा हूं। देखो, बताओ मूवी सबको याद है? अच्छा, रियल लाइफ का सोचो,
रियल लाइफ में भी जब नेता चुनाव होने वाले होते हैं तो बड़े बड़े भाषण के दौरान अपना चुनावी चुनाव में घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बताओ आपको क्या पता होता पहले से कि वो काम हो जाएगा? कुछ मान भी सकते हैं कि हाँ कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ये बात पहले से पता होती है कि नहीं? बोलो। अगर मैं पूछूं 100% सियोरिटी के साथ कि क्या चांसेस मोर देन 50% हैं कि ये काम हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं। अच्छा मैं ये बोलूं लेस देन 5% है तो आप बोलोगे नहीं ये भी नहीं। क्यों? हो भी सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। एकदम ऐसी बातें नहीं लिखते कि हम तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो देखना सारे लोगों को लेकर के चांद पे जाएंगे, ऐसी बातें भी नहीं लिखते। लिखते वही हैं जो हो सकती हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। लेकिन करेंगे कि नहीं ये बहुत कंफ्यूजिंग का मामला होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि अगर इनके ऊपर लाइबिलिटी आने के चांसेस क्या है, अगर मैं पूछूं जो चुनाव में लिखा है इनके ऊपर ये लाइबिलिटी आने के चांसेस क्या है, तो आप खाली क्या बोलोगे? इट इज अ पॉसिबल। ये सब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है इनके। क्यों? केवल ये घोषणा है, दिखावा है लोगों को। करेंगे कि नहीं करेंगे जरूरी नहीं। तो केवल लोगों को डिस्क्लोज करते हैं कि देखो हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करना करना ये सब इनके हाथ में होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो सेम मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी जो आ सकती है, चांसेस इज मोर देन 5%, बट करना नहीं करना मेरे हाथ में। तो ऐसे ऑब्लिगेशन को मैं कौन से ऑब्लिगेशन बोलूंगा? फटाफट बोलो। पॉसिबल ऑब्लिगेशंस बोलूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। नाहटा एकेडमी जब बनी बेटा तो ऊपर आप सबको बताया गर्ल्स हॉस्टल है, नीचे हमने एक गनमैन रखा। एक बार क्या हुआ, वो गनमैन अपने बाहर सोमरस बढ़ते ही वहां गया पी, और पी करके फिफ्थ फ्लोर पर से छलांग लगा दी। तो उस समय क्या एकेडमी बनी रही थी, तो वो आके थर्ड फ्लोर पर गिरा, उसका पैर टूट गया। अब पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, इंजुरी हो गई, तो हम उसको उठा के लेके गए हॉस्पिटल में, एडमिट किया, उसका पूरा ऑपरेशन का खर्चा उठाया। उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, तो हड्डी निकाल कर वहाँ पर एक रॉड डली लोहे की, वो रॉड डलवाई, चलना फिरना उसका वापस से स्टार्ट हो गई। वापस से उसको जॉब दे दी, जॉब पे रख लिया। लेकिन उसके कोई मामा जी थे, वो वकील साहब थे, उनने हमारे ऊपर केस कर दी। बोले आपकी प्रमाइसिस में काम करते हुए हमारे पर्सन की, हमारे व्यक्ति की, क्लाइंट की इंजुरी हुई है और उसकी लाइफ सफर हो रही है, इसलिए आप हमको 50 लाख रुपए का पेमेंट करो। वो केस टूट दिया। अब बच्चों जो केस हुआ उसके लिए हमने भी अपना वकील किया। हमारा जो एडवोकेट था उससे हमने क्वेश्चंस पूछा कि साहब कोई ऑब्लिगेशंस आएगा क्या हमारे ऊपर? हमारे वकील साहब बोलते हैं सर कुछ नहीं आना, गलती उसकी थी, आपने नीची ड्यूटी लगाई थी, वो पांचवें फ्लोर पर गया क्यों? दूसरी बात, गिरा था तो पी के गिरा था, डॉक्टर के सर्टिफिकेट है कि भैया पिए हुए था, हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा सर, केस हम जीत जाएंगे। सारे बच्चे बताओ अभी ये ऑब्लिगेशन कौन सा ऑब्लिगेशन है? मेरा एक्सपर्ट वकील मेरे से बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे केस, बताओ कौन सा है? हाँ, रिमोट ऑब्लिगेशन। वेरी गुड बच्चों, दैट ऑब्लिगेशन रिमोट। मैं चिंता लेने की टेंशन लूंगा ही नहीं क्योंकि वकील बोल रहा जीत ही जाएंगे सर, चिंता मत करो, दैट ऑब्लिगेशन इज रिमोट। कुछ दिन बाद वकील साहब मेरे से बोलते हैं सर अभी लॉ में एक अमेंडमेंट हुआ है, अगर प्रमाइसिस में कुछ होता है तो थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ सकता है, बट चिंता मत करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप जीतोगे। लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा बहुत देना पड़ सकता है, लेकिन बोल रहा पूरी कोशिश कर रहा हूं आप जीतोगे। बताओ अब ऑब्लिगेशन कौन सा ऑब्लिगेशन हो गया? ये पॉसिबल। अब 5% से ज्यादा चांसेस हो गए कि नहीं? बोलो। तो ऐसे ऑब्लिगेशन को भी जो आपके पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं, इन पॉसिबल ऑब्लिगेशन को भी
बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो फिर सर, ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, केवल इसका क्या दिया जाता है? जोर से बताएंगे सारे बच्चे, केवल इसका क्या दिया जाएगा? बोलो, केवल डिस्क्लोजर दिया जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो सर, डिस्क्लोजर कैसे देंगे इसका? हम डिस्क्लोजर जज साहब से पूछते हैं तो जज साहब हमारे बोल रहे हैं कि भैया इसको एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी दिखा देना। मतलब हमारा एएस क्या बोल रहा है कि भैया इसको कैसे दिखाओगे? एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करोगे। क्या ये बात सबको याद रहेगी कि नहीं? इट शुड बी डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कंटेंजेंट लाइबिलिटी के रूप में इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, मतलब केवल डिस्क्लोजर आएगा, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप चाहो तो इस कंटेंजेंट लाइबिलिटी की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, आप रिजर्व बना सकते हो। बहुत सारी कंपनियां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखती हैं। वो इसलिए बना के रखती हैं कि फ्यूचर में वर्कर को कोई इंजुरी हो गई तो हमको पेमेंट करना पड़ सकता है। क्या ये बात समझ में आई? तो रिजर्व बना सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई भी बुक्स में लाइबिलिटी के रूप में इस चीज को नहीं लिखोगे। इसलिए मैंने याद करो पढ़ाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? बोलो, अब रिजर्व बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन इट शुड नॉट रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, इट शुड बी डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी। आप इसको एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी बुक्स में के बाहर दिखा सकते हो। समझ में आया? एनी डाउट? तो ये था बेटा हमारा कौन सा ऑब्लिगेशन? बोलो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्लिगेशन आता बेटा प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन? प्रोबेबल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, कोई आपसे पूछता है तो आप बोलना सर ऐसे ऑब्लिगेशन जिनके आने के चांसेस मोर देन 50% हो गए, 50% से ज्यादा चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, या इक्वलेंट टू 50% है, 50% भी है, 50% या 50% से ज्यादा चांसेस हो गए हैं, तो वो ऑब्लिगेशन कौन से ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं? बोलो, प्रोबेबल ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं। सर ये सब पता कैसे चलेगा कि चांसेस ऐसे हो गए, प्रोबेबल हो गए? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप सबने मूवी देखी थी थ्री इडियट्स? बोलो, स्टार्टिंग में उसके दोस्त ये मान के चलते हैं कि आमिर खान साहब नहीं मिलेंगे, लेकिन एक जगह ऐसी जहां पहुंचते हैं जहां पर उनको लगने लगता कि हाँ मिलने वाला है। देखो दैट वन सीन, ऐसा स्कूल तो साला रैंचो ही बना सकता है, पर वो है कहां? Go away creatures, चल। अरे यहाँ से मत करो। You want more, हाँ? मिल गया, कमीने कहीं आसपास ही है। चलो चलो। बताओ यहाँ आके उनको क्या लगने लग जाता? बंदा यही है। बोलो, चांसेस क्या होगा मिलने के? अब मैं आपसे पूछूं, चांसेस इज हाई, 50% बोलोगे कि 50% से ज्यादा? 50% से ज्यादा। सेम जैसे मेरे अपने केस की बात कर रहा था, आगे की कहानी सुनते हैं कि वकील साहब कुछ दिन बाद बोलते हैं साहब थोड़ा बहुत तो पैसा आपको देना पड़ेगा। अब अगर वो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, तो बताओ चांसेस इज लेस देन 50% की 50% से ज्यादा चांसेस हो गए? बोलो, मोर देन 50% चांसेस हो गए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर चांसेस मेरे मोर देन 50% हो गए हैं, तो क्या अब मेरे को अरेंजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए। तो यहां से लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड होना चालू होती है। मतलब जब आपका ऑब्लिगेशन एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन जाता है, सॉरी प्रोबेबल ऑब्लिगेशन बन जाता है, तो लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज। फिर यहां लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करने का क्वेश्चन अराइज होता है।
और जब लाइबिलिटी यहां रिकॉग्नाइज करने की बात आ जाती है कि भैया बुक्स में लाइबिलिटी को दिखाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है मेजरमेंट का, मतलब मेजरमेंट का क्वेश्चन अब अराइज होगा। बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। तो अब जरा मेजरमेंट पर नजर डालो। मेरे को बताओ, मेरे नाहटा एकेडमी के एग्जाम्पल में बताओ, मेरे को उसको लिखना है बुक्स के अंदर, लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ चुकी है, तो मेरे को बुक्स में उसको लिखना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको मैं कैसे लिखूं, तो मेजरमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। और जब मेजरमेंट करना पड़ेगा तो सारे बच्चे मेरे को बताओ, मेजरमेंट करने के लिए, बुक्स में उसको रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए मेरे को अमाउंट की जरूरत है। तो अमाउंट कौन सा लूं, एक्चुअल अमाउंट पता है कितने रुपए देना पड़ेंगे उसको, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। अब एस्टीमेशन कैसे लगाऊं, अगर मेरे ऊपर ऐसे केस होते रहते हैं और मेरे को पता है केस हारने पर लगभग 20,000, 50,000, 60,000 रुपए देना पड़ता है, तो फिर बताओ ये जो अमाउंट होगा इट इज अ रिलायबल। लेकिन ये तो मेरा पहला केस था, आज तक मेरे ऊपर ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं, तो फिर तो मैं अपने वकील से, एक्सपर्ट से पूछ सकता हूं, क्योंकि वो तो केस ऐसे लड़ता ही रहता है, बोलो। और उससे पूछ करके मैंने बताया कि भैया कितने देना पड़ेंगे, वो रहा लगभग सर 60,000-70,000 रुपए देना पड़ेंगे, तो बताओ 60,000-70,000 रुपए देना पड़ेंगे, मेरा वकील बोल रहा है, एक्सपर्ट बोल रहा है जो ऐसे केस लड़ता ही रहता है, इट इज एस्टिमेशन रिलायबल और नॉट रिलायबल, बोलो, इट इज ऑल्सो रिलायबल। लेकिन अगर मेरा वकील मेरे से बोलता है वो क्या पता कितना देना है, तो जज के मूड के ऊपर रहेगा, उस दिन वो घरवाली से लड़के आया 60,00,000 देना पड़ जाए, खुश होया 4,00,000 ही देना पड़े, मेरे को नहीं पता, तो मैं मन से कोई एस्टिमेशन लगा लूं, तो फिर बताओ बेटा मन से लगा लूं तो फिर ये क्या होगा, बोलो, इट इज नॉट रिलायबल। तो AS-29 यहां एक डील कर रहा है, AS-29 बोलता है कि इफ एस्टिमेशन इज रिलायबल इट शुड क्रिएट अ प्रोविजन, तो प्रोविजन क्रिएट करो, लेकिन एस्टिमेशन इज नॉट रिलायबल इट इज ऑलवेज डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, तो इसको कंटेंजेंट लाइबिलिटी में डाल दो। क्या ये बात समझ में आई, बोलो, मतलब आपके एस्टिमेशन अगर कैसे हैं, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, बोलो कैसे हैं, रिलायबल हैं तो प्रोविजन के रूप में रिकॉग्नाइज करो, किसके रूप में, जोर से बोलो, और अगर रिलायबल नहीं है तो इट्स टू डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, उसको एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी के रूप में ही डिस्क्लोज करो, उसको रिकॉर्ड नहीं करो। मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करने की दो शर्तें हो गई, पहली बात जो लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ रही है उसके आने के चांसेस 50% से ज्यादा होना चाहिए, दूसरी शर्त ये हो गई कि जो अमाउंट पे करना है वो रिलायबल तरीके से एस्टिमेट हो पा रहा है, तो ही लाइबिलिटी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, नहीं तो लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, इट्स टू डिस्क्लोज एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को, सबको क्लियर हो गया, एनी डाउट फॉर AS-29 जितना अभी हमने डिस्कस किया है, बोलो, पक्का, वेरी गुड। तो बच्चों ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे जितना मैंने आज डिस्कस किया है, इसके आगे कहानी मैं कल डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, चलो तो मिलते हैं कल, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।